हेलो दोस्तों, मेरा नाम है कृष्णा गोस्वामी और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे गोस्वामी टेक यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा खबरी ऐप में आप किस तरह से अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं और किस तरह से उसमें अपनी ऑडियो अपलोड कर सकते हैं। जैसे कि इससे पिछली वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आप खबरी से अर्निंग कर सकते हैं महीने के 2 लाख तक, और इसके मैंने आपको कुछ प्रूफ भी दिखाया था कि किस तरह से होता है, मतलब किस तरह से इसमें आपको अर्निंग मिलता है और कितने लिसन पे कितना मिलता है और कितने व्यूज़ पे कितना मिलता है। तो आज मैं आपको यही बताऊंगा कि आप किस तरह से आप इस पर अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं और उसमें किस तरह से आप अपनी ऑडियो अपलोड करेंगे, कैसे उसका टाइटल, डिस्क्रिप्शन, टैग, जो भी है, सारे प्रोसेस आप किस तरह से करेंगे। तो आज की इस वीडियो में आपको इसी के बारे में कंप्लीट सब कुछ बताऊंगा कि आप कैसे अपनी खबरी स्टूडियो से ऑडियो डाउनलोड करके चैनल बना के सब कुछ कंप्लीट कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको चलना होगा मेरी मोबाइल की डिस्प्ले में। तो चलिए मेरी मोबाइल की स्क्रीन पर मैं आपको वहाँ पर A to Z पूरी प्रोसेस समझा देता हूँ। तो जैसे कि आप देख सकते हैं हम आ चुके हैं अपने मोबाइल के डिस्प्ले में। तो यहाँ पे देखिए आप खबरी स्टूडियो ऐप दिख रहा है, तो आप इसको सबसे पहले इंस्टॉल कर लीजिए। अगर आपने नहीं किया तो मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। देखिए तो इसको ओपन करने के बाद यहाँ पे कुछ इस तरह से आता है। या तो आपको यहाँ पे ईमेल आईडी और पासवर्ड मांगता है, बट अभी आप नए हैं तो आपके पास ये होगा नहीं। आपको नीचे साइनअप कर पर क्लिक करना है। जैसे आप साइनअप पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको अपना नाम डाल देना है, ईमेल आईडी डाल देना है, अपना मोबाइल नंबर डाल देना है और अपना जेंडर सेलेक्ट कर देना है। उसके बाद जैसे आप इसको नेक्स्ट करोगे तो ये आपका सबमिट हो जाएगा, तो आपको कुछ भी नहीं करना होगा। उसके बाद आपको डायरेक्ट बैक जाना, यानी 2-3 घंटा, 24 घंटा, कभी भी, यानी मैं आपको बता रहा हूँ 24 घंटे के अंदर में कभी भी आपके पास एक मेल आ जाएगा खबरी से। तो देखिए जैसे कि मेरे पास एक मेल आ चुका था, तो मैं आपको अपनी मेल दिखा देता हूँ पहले। तो मेरा मेल रहा ये गोस्वामी टेक्स, तो मैं इसमें आपको दिखाता हूँ टीम खबरी। तो यहाँ पे मेरी मेल आईडी आप देख सकते हैं, तो मेरे को वहीं से मेरी ईमेल आईडी और एक पासवर्ड क्रिएट करके दिया गया है। जो ये पासवर्ड को मैं अब डायरेक्टली यहाँ से कॉपी करके वहाँ पे पेस्ट कर लूँगा। इसके बाद होगा क्या कि मेरा जो अकाउंट है वो ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगा, मुझे कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेरे को वहीं से चैनल बना के मिल जाता है। हमको वहाँ पर खाली अपनी ईमेल आईडी डालनी होती है, मोबाइल नंबर और नाम वाम जो भी है वो कुछ डालना होता है। तो यहाँ पे देखिए जैसे मैंने ये डाल दिया अपनी ईमेल आईडी, तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ ईमेल आईडी अपना। तो देखिए जैसे मैंने डाल दिया और मैं यहाँ पे कर लेता हूँ लॉगिन। तो आपने देखा जैसे मैंने वो लॉगिन किया तो तुरंत मेरा अकाउंट यहाँ पे ओपन हो चुका है। तो मेरा गोस्वामी टैग आप देख सकते हैं मैंने पहले से ये बना रखा है, लेकिन मैं आपको एक नया बनाने का तरीका बताऊंगा। यहाँ पे सबसे ऊपर आप देख सकते हैं नीले कलर में यहाँ पे प्लस का आइकन, आप इस पर क्लिक कीजिए। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप टाइटल पे देखिए, यहाँ पे आप जिस भी चैनल का नाम देना चाहते हैं तो वो चैनल का नाम, अब इसमें 5 चैनल 6 चैनल कुछ भी बना सकते हैं, अलग अलग कैटेगरी के चैनल। तो जैसे कि यहाँ पे आप उसका नाम लिख लीजिए, इसके बाद यहाँ पे डिस्क्रिप्शन चैनल के बारे में, और यहाँ पे आपका चैनल का जो भी लोगो है आप उस लोगो को यहाँ पे ऐड कर लीजिए। उसके बाद अपने चैनल की लैंग्वेज सेटिंग कर लीजिए, हिंदी इंग्लिश जो भी आपको अच्छी लगती हो, और उसके बाद कैटेगरी। और कैटेगरी पे आप खास तौर पे ध्यान दें, अगर आप कैटेगरी जो डालते हैं वही डालें, बार बार अगर आप कैटेगरी गलत करते हो, चेंज करते हो, तो बाद में चेंज नहीं होगा, आपको इसमें दिक्कत आ जाएगी। तो यहाँ पे आप अपनी चैनल की कैटेगरी एक ही डालें, जो भी पहले आपको लगता है कि मैं इस पर काम कर पाऊँगा वही कैटेगरी डालें। तो यहाँ जैसे मान लीजिए मैंने मोटिवेशनल डाल दी, तो ऐसी कैटेगरी डाल के इसके बाद आप यहाँ पे इसके टैग लिख सकते हैं कुछ भी, जैसा आप यूट्यूब में लिखते हैं। तो देखिए यहाँ से बिजनेस हो गया, टेक्नोलॉजी हो गया, इसी तरह से इसमें जो जो टैग होते हैं आप वो टैग लेके ऊपर सेव का बटन आता है, इसको यहाँ से सेव कर लेंगे। जैसे आप सेव करेंगे तो आपका कुछ इस तरह से गोस्वामी टैग की तरह ऑटोमेटिकली बन के आ जाएगा, ठीक है। फिर आने के बाद आप देखिए यहाँ पे डिटेल दिख रहा है, आप डिटेल पे ऐसे क्लिक करेंगे तो ये पूरा आपका दिख जाएगा, आपने उसमें क्या क्या डाला है, क्या क्या आपने उसमें फिलअप किया अपनी कैटेगरी, तो ऐसे देख सकते हैं आप। तो उसके बाद अब देखिए यहाँ पे आपको पोस्ट डालने के लिए करना क्या पड़ेगा, मैं आपको बताता हूँ। जैसे यहाँ पे देखिए आप डिटेल के नीचे आपको स्टेटस एक्टिव लिखा आ रहा है, तो एक्टिव पे हम क्लिक करते हैं। तो जैसे मैं एक्टिव पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे मैंने पहले ही ऑलरेडी पोस्ट डाली हुई है, मैं इसका URL अपने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, आप मेरे को भी यहाँ फॉलो कर सकते हैं और इनको आप सुन सकते हैं कि मैंने किस तरह से ऑडियो डाली है। तो अब देखिए यहाँ पे इस तरह से ऑडियो, और इसके नीचे आप इसमें अपलोड करने के लिए करना क्या होगा मैं आपको बताता हूँ, मैं आपको एक वीडियो अपलोड करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे प्लस के आइकन पे आपको करना है क्लिक। तो देखिए जैसे आप प्लस के आइकन पे क्लिक करते हैं तो सेम उसी तरह से टाइटल आता है। तो यहाँ पे मैं अपना वीडियो का जो भी टाइटल है वो लिख लेता हूँ। तो मैंने एक वीडियो बनाई है, क्या आप जानते हैं मोबाइल की 4 सेटिंग के बारे में, तो मैं यही लिख देता हूँ। देखिए आपको पता तो ये मैंने यहाँ पे लिख दिया टाइटल। तो यहाँ पे मैं इसका डिस्क्रिप्शन भी लिख देता हूँ। तो ये मैंने कुछ भी लिख दिया नॉर्मली, जो मुझे लगता है मेरे मन में जो भी है, जो आपको अच्छा लगता है आप वो लिख दीजिए वहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे आप चॉइस URL, यानी आपका जो भी थंबनेल है उसका URL चॉइस कर लीजिए। तो मैंने इसका थंबनेल ऑलरेडी पहले से ही बना के रखा है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ उसको डायरेक्टली यहाँ से अपलोड करके।
तो मैं अपना थंबनेल यहाँ पे लगा देता हूँ। सॉरी एक सेकंड, मैं थंबनेल यहाँ पे कर देता हूँ ऐड। ये रहा मेरा पिक्सेल लैब, तो यहाँ पे आप देखिए मैंने ये वाला थंबनेल लगा रखा है। तो यहाँ पे इसको थंबनेल ऐड करने के बाद हमको अपलोड पे क्लिक करना है। तो अपलोड क्लिक करते कंप्लीट हो चुका है, और उसके बाद यहाँ से हमें ऑडियो करना है ऐड। तो ऑडियो ऐड करने के लिए यहाँ पे ऑडियो में जाएंगे, और आपका ऑडियो जिस भी फोल्डर में आपने रिकॉर्ड किया है, सेव किया है, उस फोल्डर में जाके आप उसे ओपन कर सकते हैं। तो जैसे कि मैं यहाँ पे देखिए, यहाँ तो मुझे मिला नहीं, मैं गैलरी में जाता हूँ डायरेक्टली अपने, और गैलरी में जाने के बाद यहाँ पे रिसोर्सेज, जो भी मेरी जो भी मेरा वो फोल्डर है जिसमें मैं अपनी ऑडियो सेव करता हूँ, उस फोल्डर में जाके उस ऑडियो को सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो जैसे रिसोर्स, तो ये रहा मेरा, और यहाँ से मैं अपनी वही ऑडियो को सिलेक्ट कर लेता हूँ जो कि मैं अपनी उसमें सेट करने वाला हूँ। तो ये मैंने मोबाइल ट्रिक्स लिखा था, तो ये रही ऑडियो। तो देखिए जैसे मैंने उस पर क्लिक किया तो यहाँ पे आ चुका है। जैसे लोड कर लेता हूँ तो देखिए लोड हो रहा है। तो देखिए लोड भी हो चुका है मेरा कम्प्लीटली। उसके बाद मुझे स्टेटस पे जाना है, और यहाँ पे करना है इसको पब्लिक। पब्लिक करने के बाद इसको क्लिक कर दें, और नीचे यहाँ पे आपको टैग लिखना है कि आपको किस चीज़ पे। तो मेरा टेक्निकली पे, तो टेक्नोलॉजी में इसको कर लेता हूँ, मैंने कर दिया। और नीचे यहाँ पे आपको कुछ टैग भी लिखने हैं। तो देखिए जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ टैग्स मोबाइल। तो देखिए जैसे फैक्ट, और इसके नीचे यहाँ पे शो हो रहा है शो एडवांस ऑप्शन। तो शो एडवांस ऑप्शन में आप देखिए यहाँ पे स्लॉट लिखा आ रहा है और प्रायोरिटी लिखा आ रहा है। तो स्लॉट का मतलब क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। ये चार स्लॉट होता है कि 6 घंटे का एक स्लॉट चलता है। जैसे मान लीजिए रात के 12 बजे से सुबह के 6 बजे तक अगर आप वीडियो डालते हैं तो पहला स्लॉट होता है, अगर सुबह के 6 बजे से भी 3 के 12 बजे तक डालते हैं तो दूसरा स्लॉट। लेकिन अभी आपको ऊपर देख रहे होंगे 2:10 दिन के अभी तीसरा स्लॉट चल रहा है अभी 6 बजे तक, और वही शाम के 6 बजे से रात के 12 बजे तक जो स्लॉट चलेगा वो चौथा। तो अभी मैं तीसरे स्लॉट कर लूँगा इसको ओके। और वहीं पर ये होती है प्रायोरिटी, जो ये होता है आपका वीडियो के कितने वीडियो आपने दिन में डाले। एक दिन के आप इसमें 20 वीडियो तक डाल सकते हो। तो अभी मेरा पहला वीडियो, दूसरा वीडियो सुबह से मैंने एक डाल दिया है, तो मैं इसको यहाँ पर चूज़ कर लूँगा। उसके बाद ये मेरे पूरी हो चुकी है कम्प्लीट, और इसको यहाँ पर मुझे करना है सेव। तो ये देखिए जैसे मैंने सेव किया तो यहाँ पे देखिए सबसे ऊपर ये आ चुका है। अब मैं इसको सुनने के लिए मुझे जाना पड़ेगा इसका जो दूसरा ऐप है खबरी का, तो मैं उस ऐप में जाके इस ऑडियो को आपको सुना देता हूँ खबरी वाली। तो यहाँ पे आ चुका है, नहीं है। तो यहाँ पे देखिए मेरी पसंद, तो मैंने अपने चैनल को यहाँ पे लाइक कर रखा है दूसरी आईडी से। तो यहाँ पे ये रहा मेरा गोस्वामी टैग। तो देखिए अभी मैंने जो डाला है वो आ चुका है, तो इसको मैं प्ले करके आपको सुना देता हूँ एक बार। देखिए हेलो दोस्तों, मेरा नाम है कृष्णा गोस्वामी और आप देख रहे हैं गोस्वामी टैग। दोस्तों मैं आप अभी आपको 4 ऐसे अमेजिंग मोबाइल रैंडम फैक्ट बताऊंगा जो शायद इससे पहले आपको पता होंगे। तो आप समझ गए होंगे कि किस तरह से इसमें मैंने ऑडियो अपलोड की और कंप्लीट की, यहाँ पे मेरी ऑडियो पहुँच चुकी है। तो आप भी इसी तरह से इसमें ऑडियो डाल के पैसे कमा सकते हैं। मेरे उसमें भी इसमें बहुत सारे ऑडियो हो चुके हैं। अगर आपने अभी तक मुझे इसमें फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर लीजिए। तो जैसे कि आपने देखा कि मैंने आपको अपने मोबाइल की स्क्रीन पे स्टेप बाई स्टेप बता दिया है, और आपको एक चैन क्रिएट करके दिखाया भी था। तो आप उम्मीद करता हूँ आपको ये ऑडियो सॉरी और वीडियो पूरी समझ आ गई होगी किस तरह से आपको अपने इस पर काम करना है। अगर आपके स्क्रीन पे कोई भी सवाल जवाब, आपको कुछ भी दिक्कत आ रही है, तो आप मुझे नीचे कॉमेंट में पूछ सकते हैं, मैं उसके आपको पूरे सवाल पर जवाब दूँगा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मैं मिलता हूँ आपको अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए ओके बाय, जय हिंद।